Hi friends, today I have brought the summary of The Hack Driver written by Sinclair Lavish. If we talk about Sinclair Lavish, then he is an American writer and playwright, and in 1930, he became the first writer from the United States to receive the Nobel Prize in Literature. Guys, The Hack Driver is one of the stories of the English Book of 10th class, and this वीडियो इज जस्ट गोइंग टू बी यूजफुल टू द स्टूडेंट्स ऑफ टेंथ क्लास वो आर गोइंग टू है एग्जामिनेशन सो विदाउट एनी डिटेल लेट्स स्टार द समरी गैट द हैक ड्राइवर एक बहुत ही अम्यूजिंग स्टोरी है जिसे अमेरिकन नॉबलिस्ट चिन क्लेयर लेविस के द्वारा लिखा गया था और इस कहानी में जो ऑथर होता है वो एक अंग लोअर के बारे में बात करता है जो ऑनर्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के रूप में काम कर रहा होता है मैग्निफिशेंट लॉ फॉर्म में एक दिन एक्चुअली उसे एक गांव भेजा जाता है जो गांव का नाम होता है न्यू म्यूलियन दरअसल वह उस गांव जाता है एक ओलिवर लुटकिंस नामक व्यक्ति को किसी केस में बुलावा भेजने के लिए एक केस के सिलसिले में ओलिवर लुटकिंस को सम्बन्ध देना होता है और उसी संबंध में उसे न्यू म्यूलियन नामक एक गांव में जाना होता है दरअसल उसे यह गांव जाना पसंद तो होता नहीं है लेकिन फर्स्ट टाइम वो जा रहा होता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होता है यह गांव जाने के लिए तो जब वो गांव पहुंचता है तो जो गांव होता है वो काफ़ी ज़्यादा डल और लाइफलेस उसे दिखता है लेकिन जब वो स्टेशन पे पहुंचता है जब वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है तो प्लेटफॉर्म पे उसे एक हैक ड्राइवर एक तांगा गाड़ी वाला यानी घोड़े गाड़ी वाला व्यक्ति उसे दिखता है जब उनके पास वो पहुंचता है तो उनके पास पहुंचने के बाद वह उसको बताता है कि वो लुटकिनस को यहाँ पर ढूंढने के लिए आया है परंतु वह व्यक्ति उसे बताता है तांगा वाला कि लुटकिंस जो है एक बहुत ही फ्रॉड व्यक्ति है एक बहुत ही कनिंग व्यक्ति है क्योंकि वह बहुत सारे लोगों से पैसा ले चुका है और जिसका वो एक बार पैसा लेता है वो फिर उसे लौटाता नहीं है और मैं दोस्तों बता दूं कि जो व्यक्ति यहाँ पे जो हैक ड्राइवर है वही खुद में ओलिवर लुटकिंस है लेकिन यह व्यक्ति अपना नाम यहाँ पर इसे बिल बताता है तो यंग लॉयर जो होता है उसे बार्गेनिंग करता है उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी वो मदद करे लुटकिंस को ढूँढने में तो जो टांगा वाला होता है जो हैग हैग ड्राइवर होता है वो कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा लुटकिंस को ढूँढने में परंतु मैं प्रति घंटे की दर से चार्ज लूँगा तो लॉयर जो होता है उसे प्रति घंटे के अनुसार से उसे फी भी देने के लिए तैयार हो जाता है परंतु अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो हैग ड्राइवर है वो खुद को अपने आप को बिल अपने आप को बिल बता रहा है और अपना नाम बिल बता के वो उसे मूर्ख बनाने का कोशिश कर रहा है हीज मैनिफ्लेटिंग द लॉयर हेयर अब क्या होता है वे दोनों मिलकर लुटकिंस को ढूंढना शुरू करते हैं लुटकिंस के सर्च में इधर उधर अनेक स्थानों पे जाके घूमते हैं परंतु जहाँ कहीं भी वो जाता है तो जो हैक ड्राइवर होता है बिल जो अपने आप को बताता है वो उस लॉयर से आगे रहता है आगे आगे ही जाके वो इंक्वायरी करता है परंतु उसे बताया जाता है कि लुटकिन अभी अभी कुछ पहले इधर फ्रिट्स के शॉप में एक फ्रिट शॉप होता है फ्रिट जूस फ्रीड्स शॉप होता है तो बताया जाता है कि वो वहीं पे होगा क्योंकि वो पोकर का गेम बहुत ज़्यादा खेलता है तो हो सकता है कि वो वहाँ पे मिलेगा तो वहाँ पे जब जाता है तो उसे वहाँ पे वो नहीं मिलता है फिर उसे बताया जाता है कि वो गुश्ताब बाबर बार बार, बार की शॉप पे हो सकता है शेविंग कर रहा होगा तो वहां पे जाने के बाद भी पता चलता है कि वो वहां पे नहीं था यानी लूटकिंस का पता लगाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था और वो उसे मिल ही नहीं रहा था कहीं पे फिर आगे क्या होता है बिल जो होता है लॉयर को कहता है कुछ भोजन वगैरह करने के लिए फ्रॉम हिज वाइफ उसकी पत्नी से क्योंकि इट वुड बी चीपर देन या रेस्टोरेंट इन द आफ्टरनून वो कहता है कि मेरी पत्नी से ही भोजन खरीद लो क्योंकि रेस्टोरेंट में ख़रीदोगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा लेकिन इससे यहाँ पे सस्ता में आपको मिल जाएगा परंतु विच दे हैड देर लंच एट अ ब्यूटिफुल प्लेस कॉल वेट सेल जिसके बाद वे लोग अपना लंच करते हैं एक बहुत ही सुंदर जगह होता है वेरसेल पर बैठ के अब तक क्या होता है जो लॉयर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा यकीन हो जाता है कि बिल जो है एक बहुत ही हेल्पफुल व्यक्ति है बहुत ही दानी व्यक्ति है बहुत ही फ्रेंडली मैन है क्योंकि उसकी जो फ्रेंडली बिहेवियर जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा शौकीन बना देता है उस गांव का और यहाँ के लोगों का अब क्या होता है ये बंदा जो होता है वो सिटी पीपल और विलेज पीपल के बीच में तुलना करने लगता है और हैकड्राइवर जो होता है वो उसे सजेस्ट करता है कि दे शुड लुक फॉर लुटकिन एट इज मदर्स प्लेस कि वे लोग को उन, उन, लुटकिन्स को उनकी माँ के स्थान माँ के घर पर ढूंढना चाहिए तब लेटर ऑन बाद में क्या होता है वे लोग लुटकिन्स की माँ के यहाँ जाते हैं और पता लगाते हैं तो लुटकिनस की जो माँ होती है काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल लेडी होती है और जो उन लोग को थ्रेटनिंग कर रही होती है उन्हें जला देने का धमका देने का एक हाथ में आयरन रड़ को लेकर तो वे दोनों जो होते हैं वहाँ से बचने के लिए मतलब वहाँ से भाग जाते हैं और अंत में लॉयर जो होता है उसे बिना संबंध दिए हुए उस जगह को छोड़ना पड़ता है परंतु अगले दिन लॉयर को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से डांटा जाता है उसके चीफ के द्वारा यानी मुख्य व्यक्ति के द्वारा जिन्होंने उसे न्यू मिलियन भेजा था और वो फिर से उसे दोबारा भेजा न्यू मिलियन एक ऐसे कलीग के साथ जो लुटकिंस को देखा था जो लुटकिंस को जानता था जब ट्रेन न्यू मिलियन स्टेशन पे पहुंचा तो बिल जो था सो स्टेशन प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा था अपने कार्ट के नज़दीक में और जो उसकी माँ जो थी सो वो भी उनके साथ मिल बातें कर रही थी और दोनों हंस रहे थे और जरा सा भी झगड़ा नहीं कर रहे थे तो ये अपने कली को कहता है कि यही वो बंदा है जिन्होंने मेरे को लुटकिन को खोजने में काफ़ी ज़्यादा मदद किया था तो लॉयर के साथ जो कलीग होता है उनका वो कहता है कि हाँ वो अवश्य आपकी मदद किया होगा क्योंकि वही तो लुटकिंस है तो जब यह बात वो सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और ये सभी लोग उनके ऊपर हंसने लगते हैं और गैस यहीं पे स्टोरी भी ख़त्म हो जाता है